किचन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं काले छोले का सालन, वो भी मेरी स्टाइल में। चले स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। हमने क्या करना है, अपने छोले के सालन के लिए सबसे पहले अपने छोले भिगोने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 4 कप छोले डाल रहे हैं। आपकी जितनी भी बड़ी फैमिली हो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं। 3 चले गए 3 एंड 4। अब हम इसको पानी में सोक करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको वार्म वाटर से 2-3 मरतबा इसका पानी निकाल देना है, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश करना है अच्छे हाथों से, क्योंकि इसके ऊपर ये लोग कुछ केमिकल्स लगाते हैं इसको सेफ करने के लिए, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हमें इसको बहुत अच्छे से 3 टाइम पानी से हम इसको बाहर निकालेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको 3 टाइम पानी से बहुत अच्छे से निकाल लिया है। अभी देखें इसका सारा पानी वाइट हो रहा है, ठीक है, पहले येलो येलो सा था। तो अब मैंने इसको गर्म पानी इसमें डालना है। ठंडा पानी चला गया, ओके, अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। जितना ये छोले हैं इससे 3 गुना साइज का हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है, ठीक है, मैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करूंगी। अब हम इनको तकरीबन 4 आवर्स के लिए सोक करने के लिए ऐसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको 4 आवर्स के बाद दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। अच्छा, मैंने अपने सारे छोले प्रेशर कुकर में डाल लिए हैं। ये 4 आवर्स हो गए थे इनको सोक किए हुए, अब मैं इनको प्रेशर लगाऊंगी, ठीक है। ये काले छोले ज़रा देर में गलते हैं तो हम एटलीस्ट इसको 20 मिनट्स का प्रेशर इस पर लगाएंगे। अब ये सिंपली बॉयल होंगे, फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगी हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे छोले रेडी हो गए हैं, बहुत गर्म है और ये इतने सॉफ्ट बने हैं। मुझे इतने सॉफ्ट चाहिए ये सालन बनाने के लिए ये अपने छोले। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपना लिड हटाना है और तकरीबन 2 या 3 टीस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ये जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम आपको यहाँ पे कुछ मसाले बता देते हैं जो हम के यूज़ करने वाले हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है, ओके। हम इन सब चीज़ों को इसमें डालेंगे और अच्छा सा भूनेंगे, ओके। हम अपने मसाले पैन में डालते हैं, हम इलेक्ट्रिक पैन में बना रहे हैं, आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्टोव पे बना लें सिंपली, ओके। इस मसालों को बहुत अच्छे से भुनेंगे, हमने मीडियम हीट पे इसको रखा हुआ है। अच्छा, ओनियन वगैरह तो हम डाल रहे नहीं हैं, तो हमारी ये हमारा मसाला जो है वो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे 1-1 टेबल स्पून पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छा सा भूनते जाएंगे, अच्छा सा रेडी कर लेंगे, ठीक है। देखिए अभी ड्राई हो गया, फिर 1 टेबल स्पून पानी छोड़ देंगे, पानी डालेंगे यहाँ पे, देखें बहुत ड्राई हो गया, 2 डाल देते हैं एक साथ। बेसिकली हमें अपना मसाला बहुत अच्छे से भूनना है। देखिए यहाँ पे मेरा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है और कुछ गोल्डन गोल्डन शेप में आ गया है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, मैं वो डाल दूँगी। सॉल्ट हम बहुत कम डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने जब छोले बॉयल किए थे तो उस वक्त सॉल्ट डाला था, बाद में हम चख लेंगे, अगर कम होगा तो हम डाल सकते हैं। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट है, वो डाल देंगे। मेरे पास बड़ा थिक सा है इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, आपके पास अगर पतला हो तो आप 1/2 कप डाल सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है।
अब टमाटर के साथ भी मसाले को, टमाटर के पेस्ट के साथ भी मसाले को अच्छा सा हम रेडी करेंगे। इस टाइम पे भी हम एक टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और अच्छा सा इसको रेडी करते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही एक मज़ेदार छोले का सालन है, बिलीव करें बड़ा झटपट रेडी हो जाता है और इतना यूनिक लगता है खाने में भी और देखने में भी कि अगर आप अपनी पार्टी में बनाएं तो आपकी पार्टी की शान बढ़ा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे इसको इतना भुना कि इसने अपना ऑयल अच्छा सा छोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें छोले डालेंगे अपने बॉयल, जो हमने बॉयल किए थे छोले वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा देखिए, हमने अपने सारे छोले डाल लिए, अब हम इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। देखिए तकरीबन 3-4 मिनट से मैं इसको ऐसे ही भूनते जा रही हूँ, काफ़ी अच्छा ये एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं और खुशबू भी बहुत ही आला आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास छोले का पानी है, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, हम सारा पानी इसके अंदर डालेंगे क्योंकि हम सालन बना रहे हैं तो हमें थोड़ा पानी चाहिए होगा, तो हमें बाहर से पानी नहीं लेना है, हमारे पास जो छोले का पानी था हम वही यूज़ करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसका लिफ्ट कवर करते हैं, 5-6 मिनट के लिए इसको अच्छा सा हम बॉईल करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए हमारा ये काफ़ी अच्छा रेडी हो गया है, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो रहा है माशाल्लाह से। अभी मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके एक पानी में घोल लिया, मैं थोड़ा इसमें डालूँगी, इसको मुझे थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट करना है इसका। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, देखते हैं कितना यूज़ होता है, मुझे थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है। थोड़ा सा और मैं इसको गाढ़ा करूँगी, 1 टेबलस्पून और डाल देते हैं पानी हम। अच्छा यहाँ पे मेरे पास बॉयल आलू हैं, मैंने 2 आलू बॉयल काट के इस तरीके से बॉयल कर लिए, इसको मैं इस टाइम पे डालती हूँ इसमें। अच्छा देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया मेरे आलूओं को साथ में यहाँ पे इस तरीके से रखे हुए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास चॉप टमाटर है वो डाल देंगे इसके अंदर, बिल्कुल स्लाइटली मिक्स करेंगे। इसमें हमने टमाटर डाल दिए, साथ में हम इसके हरी मिर्च डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम स्पाइस खाते हैं तो आप हम डाल सकते हैं हरी मिर्चें। अब हम अपनी ट्रे में डिश आउट करेंगे। अच्छा यहाँ पे मेरे पास धनिया है, मैं वो डालती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने कुछ एग बॉईल किए हैं, वो मैं डालती हूँ इसके ऊपर। अब हम इसके लिए एक अच्छा सा भगार बनाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या करना है, तो ये 3 टीस्पून ऑयल डालना है, इसको अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाल मिर्चें हैं और यहाँ पे मेरे पास कड़ी पत्ता है। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे भगार में अपने, और अपने छोलों के ऊपर डालेंगे बना के। थोड़ा सा हम ऑयल गरम कर लेते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें इसमें डालते हैं। हम अपना भगार इस पर डालते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है डला हुआ और आपका टेस्ट बढ़ा देता है खाने का। देखिए हम अपनी डिश को करीब से दिखा देते हैं, इस तरीके से बन के हमारे छोले का सालन रेडी हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लुक आया है इसका, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, वो खाने में तो और क्या कहने हैं इसके। आप इसको बहुत आराम से पराठों के साथ खा सकते हैं, हमने पराठे बनाए हैं इसके साथ, राइस के साथ खा सकते हैं आप बहुत शौक से, साथ में हमने सैलेड भी बनाया है।
हमारा छोले का सालन बनके रेडी हो गया है। प्लीज इस डिश को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अब चलती हूँ, दोबारा लौट के आऊंगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।